नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 TV एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश वर्मा, जो कि हाल ही में आम आदमी पार्टी से मेयर पद के प्रबल दावेदार हो सकते हैं, और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। देखिए, क्योंकि फरीदाबाद बल्लभगढ़ स्थित सिटी पार्क पर एक कब्जे को लेकर के एक विवाद है, बड़ा गहराता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने कल विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन इनसे आज बातचीत करने का मकसद सिर्फ यह है कि ये निगम में काम कर चुके हैं, निगम में SDO के पद पर ये रह चुके हैं। अब इनसे हम जानेंगे कि अक्सर देखा, असल ये सवाल आपसे ही है सीधे सीधे तौर पर, कि अक्सर देखा गया कि एक व्यक्ति में और जब किसी सरकार में जब कहीं कोर्ट में विचाराधीन कोई मामला होता है, तो ज़्यादातर देखा गया कि वो व्यक्ति जीत जाता है। क्या वजह मानते हैं ऐसी? इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य कारण यही रहता है कि वो जिस जो व्यक्ति होता है वो व्यक्तिगत रूप से अपने केस को हर तरीके से अदालत में पेश करता है, जबकि कोई पार्क का मामला है या सरकारी संपत्ति का मामला है, उसमें हमारे अधिकारी लोगों को वहाँ पे कोर्ट में जाकर उसको परस्यू करना होता है। अगर एक अदालत में नीचे हार जाते हैं तो दूसरी अदालत में अपील करनी होती है, दूसरी में हारते हैं तो तीसरी में अपील करनी होती है, पूरा उसका पीछा करना होता है। और उसमें हारने का मुख्य कारण क्या रह जाता है? कुछ अधिकारी लोग राजनीतिक अकाओं के दबाव में वहाँ पर जाते नहीं, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाता है, क्योंकि जहाँ क्षेत्र में बात होती है, ये पार्क है या ज़मीन है, बहुत मूल्यवान ज़मीनें हैं, हमारे शहरवासियों की अमानत हैं, बट राजनीतिक कुछ लोग चाहते हैं ये हमें किसी तरह से हासिल हो जाए या हमारे लोगों को हासिल हो जाए, वो भी अधिकारियों पर दबाव डालते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। ये सारे शासन प्रशासन मिलके ये कहीं उदासीनता हो जाती है इनके अंदर, ये उसको अच्छे से। आप देखिए, आप निगम में काम कर चुके हैं, टेक्निकल चीज़ें आप जानते होंगे, क्या लगता है कि ये जो मामला है जो जीत करके आए हैं और सिटी पार्क का जो मामला चल रहा है इस समय, इस पर क्या होगा आगे चल के? देखो, इसमें बहुत तकनीकी बात मैं बताता हूँ। जैसे आज हर आदमी ने प्रदर्शन किया, हर पार्टी प्रदर्शन करने का प्रयास कर रही है, चुनावी माहौल है, सब दिखा रहे हैं कि हम सिटी पार्क को बचाना चाहते हैं, जबकि ये पुराने जितनी पार्टियां हैं, पुराने जितने भी राजनीतिक के लोग हैं, ये सब इन्हीं की वजह रही है कि आज सिटी पार्क जनता से छिन गया। लेकिन आज भी इसको हम बल्लभगढ़ सिटी पार्क को कब्जा होने से बचा सकते हैं, इसको कब्जा मुक्त करा सकते हैं। कैसे बचाएंगे? देखो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश अवश्य दे दिया है, क्योंकि इन लोगों ने जो भी तथ्य पेश किए हैं वहाँ पे, वो क्या पेश किए हैं क्या नहीं किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अवश्य उसका अवलोकन किया है, उसका हम आदर सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। परंतु जो ज़मीन पर धरातल पर आप देखते हैं कि सिटी पार्क, बल्लभगढ़ सिटी पार्क जो है वो जनता की धरोहर है, जनता की अमानत है, बच्चे बूढ़े परिवार सबके लिए वो एक पार्क खड़ा हुआ है जो पर्यावरण की रक्षा भी होती है उससे, वो धीरे धीरे उनसे छिन गया। और सुप्रीम कोर्ट के आगे हमारा भारत संविधान, हम सब लोग नतमस्तक रहते हैं और वो हम रहेंगे, परंतु इसको अगर हमने बचाना है तो हमें सर्वोच्च न्यायकर्ता राष्ट्रपति जी से अपील करनी होगी कि वो इसमें हस्तक्षेप करें सुप्रीम कोर्ट के आदेश में, ताकि जनता को, लोगों को उनकी धरोहर, उनकी पार्क वापस मिल सके। जी, जब आप ये कह रहे हैं कि संविधान के तहत, सुप्रीम कोर्ट के तहत डिसीजन लिया गया, फिर आप लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये विरोध प्रदर्शन केवल इस मात्र के लिए है कि सरकार ने पहले उदासीनता दिखाई, सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने जनता के हक के लिए लड़े नहीं। जो जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, हमारे सरकारी जो IAS ऑफिसर अधिकारी होते हैं, उनको जाकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित की रक्षा करनी चाहिए, पार्क के लोगों के लिए रक्षा करनी चाहिए थी, वो सब उन्होंने किया नहीं है। और अब हम इसलिए जाकर उनको बता रहे हैं कि आप लोगों ने इस तरीके का नहीं किया है तो हम आपका विरोध कर रहे हैं, आप लोगों ने छिन जाने। वार्डबंदी का काम लगभग मुझे लगता है कि पूरा उन्होंने को आया निगम का, और चुनाव भी शायद संभावित हैं अप्रैल में, वार्डबंदी को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, जो वार्डबंदी कोई भी करेंगे हमें स्वीकार है, उसमें कोई मतभेद नहीं। जो जिन जिन को कमज़ोर वर्गों को जो अधिकार देने हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, चाहे वो महिला का वार्ड हो, चाहे वो हमारे शेड्यूल कास्ट के हों, OBC के हों, हम उनका सबका, कमज़ोर वर्गों का स्वागत करते हैं। के प्रबल दावेदार हैं, अगर मान लीजिए रिजर्व वार्ड हो जाता तो? देखिए क्या है, रिजर्व वार्ड नहीं, रिजर्व मतलब सीट हो जाती है मेयर की। हाँ, जो रिजर्व सीट कर रहे हैं, जो रिजर्व करता है, वो अगर अपने स्वेच्छा से कर रहे हैं, आबादी को देखते हुए कर रहे हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। अगर वो राजनीतिक दबाव में आके और इस तरीके का विच्छेदन कर रहे हैं, तो
तो उसके लिए जो भी क्षेत्रीय लोग होंगे हो सकता है उनका विरोध भी करें। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर गलत तरीके से किया गया तो आप विरोध प्रदर्शन जरूर करेंगे? अवश्य करेंगे। चलिए, कोई अपील करना चाहेंगे निगम के अधिकारी और जनता से? मैं निगम अधिकारियों से भी जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि अब ये चुनाव का उत्सव आने वाला है और नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी सब अपना ईमानदारी से मेहनत से काम करें और जो जनता है और उनकी जो तकलीफें हैं उनकी तकलीफ़ों को दूर करें। जब तक नया हमारा मेयर और अपना पूरा संगठन नहीं आ जाता है वहाँ पे पार्षदों का, और जनता जो है बिल्कुल विश्वास रखे, हम जल्दी अपनी नगर निगम चुनावों में वहाँ आएंगे और आप लोगों की दुख दर्द को दूर करेंगे और आपके सेवा में समर्पित रहेंगे। आपने विस्तार से सुना ओम प्रकाश वर्मा को, जो कि आम आदमी पार्टी से मेयर पद के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। दूसरा, उन्होंने बताया कि जब कहीं कोई एक व्यक्ति और सरकार के बीच में जब कोर्ट में कोई मामला जाता तो ज़्यादातर सरकार ही हार जाती है। उसका रीज़न है कि कहीं ना कहीं अधिकारी सही तरीके से अपने केस की पैरवी नहीं कर पाते हैं। उसके कारण इन्होंने कहा कि राजनीतिक भी हो सकता है, इन्होंने कहा प्रशासनिक भी हो सकता है। आप सभी इनकी बातों से सहमत हों तो कृपया कार्यक्रम जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।